हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिस्कशन. आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. उसके अंदर हमने क्या करा है, अब देखो मेरे पास इंटीग्रेशन है और अंदर कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी पावर है 2/3. ठीक है, पावर कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. ठीक है, अब देखो हमने अभी तक सिर्फ एक सिंपल एक्स की इंटीग्रेशन देखी थी. अगर सिंपल एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, क्यूब हो या एक्स की पावर एन हो. अब देखो यहाँ पर इस एक्स के साथ एक कोफिशियंट भी है, प्लस इसके साथ एक कांस्टेंट भी है. तो हमने क्या करा, हमारे पास ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होता है जब इस अकेले एक्स का विदाउट पावर, इस अकेले एक्स का बाहर डेरिवेटिव मौजूद हो. इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, एक्स का 1 होता है, तो इसका डेरिवेटिव यानी यहाँ पे मौजूद है, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 मौजूद है, तो इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है. इस वजह से हमने इसको डायरेक्ट एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 कर दिया था. सही है, अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव अराउंड 2 आएगा. सही, तो हमने क्या करा, हमने अपनी आसानी के लिए हमने इस पूरी चीज़ को यू सपोज किया. ठीक है, अच्छा, इसको यू सपोज करने से पहले हमने क्या करा, हमने इस पूरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया. सही है, उसके बाद हमने क्या करा, लेट क्या, हमने इस पूरी चीज़ को सपोज कर लिया यू के बराबर. देखो यू इज इक्वल टू 2x+3. उसके बाद क्या करा, हमने इसका डेरिवेटिव लिया. जाहिर सी बात है अगर मैं इसको यू से सपोज करूँगी तो इसको dx के साथ तो इंटीग्रेट नहीं कर सकती, तो इसके लिए हमें इसको जो है ऑब्वियसली डी यू के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो हमने क्या करा, यू सपोज किया और उसके बाद फिर इस यू का डेरिवेटिव ले लिया. इसका डेरिवेटिव लिया मैंने, मेरे पास आया डी यू अपॉन डी एक्स. इस पूरी चीज़ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू 3. सही, अब देखो जब मेरे पास कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, और जो मेरे पास सिंपल एक्स होता है उसका डेरिवेटिव 1 होता है. सही है, तो मैंने क्या करा, डी अपॉन डी एक्स, देखो 2 बाहर आ गया, जैसे इंटीग्रेशन में बाहर आ रहा था इसी तरीके से यहाँ पे भी बाहर आ गया 2, और मेरे पास जो सिंपल एक्स है वो उसका डेरिवेटिव 1 होता है. सही, और इसका डेरिवेटिव 0 हो गया. उसके बाद फिर आगे आएंगे तो मेरे पास सिंपल 2 आ गया. सही, तो मैंने डी एक्स को उधर ले गई और इस 2 को यहाँ ले आई. क्या करा, देखो यहाँ पर जो है डी यू के नीचे आ गया 2, और इसको 2 को यहाँ ले जाके डिवाइड करवा दिया, डी एक्स को वहाँ ले जाके 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया. सही, अब देखो डी एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास, उसके अलावा मेरे पास इस पूरी चीज़ की वैल्यू थी, तो मैंने क्या करा, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा. कैसे पुट करा, देखो डी एक्स किसके बराबर है मेरे पास, 1/2 डी यू के, तो डी एक्स की जगह क्या लिखा, 1/2 डी यू. सही, और मेरे पास 2x+3 किसके बराबर था, u के, तो मैंने एज इट इज उसको u लिखा और उसकी पावर क्या लिख दी, 2/3. सही है, अच्छा, अब हमने क्या करा, अब हम सिंपली और कुछ नहीं करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे. किस तरीके से, मैंने सबसे पहले बताया था कि जो कोफिशियंट्स होते हैं उनको हम इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिख लेते हैं. हमने वही करा, उसको इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिखा. सही है, उसके बाद फिर u की पावर 2/3 और du एज इट इज. सही है, अब देखो इसके ऊपर सिंपल मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, सिर्फ x की जगह u है तो, लेकिन यहाँ पे भी तो du है. सही है, तो इस वजह से हम इसके ऊपर सिंपल ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो u की पावर 2/3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 + 1 डिवाइड बाई 2/3 + 1. उसके बाद हमने क्या करा, 2/3 + 1 मेरे पास होता है 5/3 के बराबर होता है. सही है, तो अब यहाँ पे 5/3 हो गया, ये 3 यहाँ पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/10 और u की पावर 5/3. और प्लस c हम लगाना नहीं भूलेंगे. ठीक है, प्लस c हमने लगा दिया. उसके बाद फिर हम लास्ट में आए, लास्ट में हमने क्या करा, जो u मैंने लिया था, जाहिर सी बात है अगर क्वेश्चन मेरा x की फॉर्म में है तो आंसर भी तो x की फॉर्म में ही आना चाहिए ना, जिस वजह से जो u था हमने उसको वापस से रीसब्स्टिट्यूट कर दिया और कुछ भी नहीं करा, एज इट इज आ गई बाकी चीज़ें, प्लस सी ऐसी आ गई, तो ये हमारा आंसर हो गया.